हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम आपको क्लास 10th चैप्टर 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे। कैसे, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना, जिसमें हमने पहली इक्वेशन आपको सॉल्व करके बता दी थी बहुत अच्छी अमेजिंग तरीके से। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी हो ना, अभी देखिए, हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन पे वह वीडियो को मिल जाएगी। और नहीं मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग के लिए सौरभ सर बैठे हैं ना, आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको चैनल का लिंक भी मिल जाएगा एंड देन उस प्लेलिस्ट सेक्शन का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए अब हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन पढ़ के बताया, हमें रूट फाइंड आउट करने हैं वो भी फॉर्मूले के थ्रू। तो फॉर्मूला कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि श्री धराचार्य जी का अमेजिंग फॉर्मूला जो उन्होंने क्रिएट करा है। चलिए उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करना है, कुछ नहीं, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेटा फॉर्मूला क्या है, एक्स की वैल्यू इक्वल में वी स्क्वायर, माई मिस्टेक, माइनस के वी प्लस माइनस रूट में बेटा वी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। ये श्री धराचार्य जी का फॉर्मूला है, इसमें a, b, c की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा a, b, c को हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे और कैसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इससे हम कंपेयर करेंगे और हमें a, b, c की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए गिवन करते हैं बेटा 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 4 इक्वल में 0। ठीक है, इससे कंपेयर करा तो बेटा कितनी मिल जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। देखिए एक्स स्क्वायर का कॉपिशन कौन है 2, ए 2 मिल गई। देन बी की वैल्यू बेटा कितनी मिल जाएगी हमें 1, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा कॉमा। देन सी की वैल्यू अपनी हो जाएगी माइनस के 4, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। चलिए तो नाउ वी नोट ऐड करके भैया ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। पहले नंबर क्या करना है, वी नोट ऐड करके आपको ये फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके बाद इसको पुट करना है। तो चलिए इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं बेटा। तो एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है, माइनस के बी यानी कि माइनस तो एज इट इज रहेगा, 1 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 यानी कि ए आ गया इंटू माइनस के 4। ठीक है, जो कि सी की वैल्यू है, अपॉन में बेटा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2। चलिए एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है, माइनस के 1 प्लस माइनस रूट में, चलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा, माइनस माइनस के इंटू माइनस में करा ये प्लस हो जाएगा बेटा, 4 टू जा 8, 8 4 जा बेटा कितने होते हैं, 8 4 जा हो जाएंगे बेटा 32, अपॉन में बेटा हो जाएंगे 2 टू जा 4। ठीक है, x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, माइनस के 1 प्लस माइनस रूट में बेटा 32 प्लस 1 कितने हो जाएंगे बेटा 33, अपॉन में कितने हो जाएंगे 4। अच्छा मेरे को ये बताइए, यहाँ पे 33 प्लस अपॉन में 4 हो गए। अच्छा, अगर हम ऐसा करें, यहाँ पर अगर हम ऐसा करें कि रूट वाली संख्या को आगे लिख लें या माइनस वाली संख्या को पीछे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी चल जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले प्लस वाली साइड भी लेके देख लेते हैं और माइनस वाली, लेकिन अगर एक नज़रिए से देखा जाए बेटा, प्लस वाली माइनस वाली साइड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैल्यू तो जे की जे रहेगी, चेंज कुछ आना नहीं है। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस वाली साइड। तो बेटा पहले प्लस वाली साइड लिखेंगे तो कैसे आएगा, माइनस के 1 प्लस के रूट के 33 अपॉन में 4। तो थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं इसको, 33 माइनस के 1 अपॉन में 4 हो गया, एक एक्स की वैल्यू जी आ गई। देन नेक्स्ट अब माइनस वाली साइड लेंगे बेटा, हैं बेटा राइटिंग पे मत जाना, अभी भी कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप में से हर किसी बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी होगी, सुनहरे फूल जैसी, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है अगर आपको अच्छी लग रही हो तो। चलिए यहाँ पर माइनस वाली साइड ले लेते हैं, माइनस के 1 माइनस के 33 रूट के अपॉन में बेटा आ जाएंगे 4। ठीक है, चाहो तो बेटा इसको भी इसी की तरह रीअरेंज कर देते हैं, कैसे, माइनस के 33 माइनस के 1 अपॉन में 4, देन माइनस का कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस का कॉमन लिया तो रूट के 33 प्लस के 1 अपॉन में बेटा 4। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये माइनस है ना ऊपर की साइड ही लगा हुआ है, ठीक है, नॉलेज में रखना। तो एक आंसर जे आ गया, एक आंसर हमारा जे आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ यह वीडियो में जो हमें रूट फाइंड आउट करने का कहा गया था, एक जे हो गया और एक जे हो गया। चलिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब, अभी बनता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।